ये होता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक। और मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी का चालक के सामने जो लगा होता है वो कैसा दर्पण होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। कार के हेडलाइट में जो दर्पण है वो कैसा होता है? तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण। कार के हेडलाइट में कैसा होता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा, ये एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि काल्पनिक जब भी होगा तो उसका प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक के साथ सीधा और वास्तविक के साथ उल्टा। केवल ये याद रखना है कि उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक, काल्पनिक होगा तो सीधा ऑटोमेटिक, और यदि अवतल दर्पण है तो वास्तविक और उसके साथ उल्टा। इसके लिए एक यही याद करना है, उत्तल है काल्पनिक, काल्पनिक है तो सीधा, अवतल वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा। छठा, दाढ़ी बनाने, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त तो दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब। छोटा और आभासी किसमें होता है? छोटा यानी उत्तल दर्पण में। आभासी मतलब क्या हुआ? काल्पनिक प्रतिबिंब। और आगे देखें, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण। अब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होता है, यानी उसका कोई निश्चित बिंदु नहीं अनंत। और अगला देखें यहाँ पे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। एक छूट गया है, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा है उसको संचित करने के लिए अवतल दर्पण। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल, छोटा आभासी प्रतिबिंब उत्तल। छोटा आभासी यानी छोटा, इसे याद रख सकते हैं, बड़ा बड़ा आभासी प्रतिबिंब क्या तो बड़ा वाला है, अवतल और उत्तल। बाकी ये यहाँ पे डिफिनेट है, इसमें भी वही है, कॉमन है। यहाँ आप देखना है अवतल, अवतल में 1, 2, 3, 4 अक्षर, यहाँ उत्तल में 1, 2, 3 और यह 3.5। यानी छोटा वाला में छोटा और बड़ा वाला में बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण और छोटा प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण होगा। आगे देखते हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? आवर्धन क्षमता इसका, आवर्धन +1। आवर्धन कितना होगा? +1। हम देखते हैं वायु के का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 से अधिक। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना? 1 से अधिक। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? सूर्य। ऊर्जा का अनवीकरणीय पेट्रोलियम, यानी इसको मैनेज किया एक ही जगह दोनों का दिया। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट। किलोवाट किसका, किलोवाट आवर किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का।